जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दरोगा भर्ती हुई थी, आपको पता है कि जब से उसकी आंसर की आई है, यानी कि आप समझ सकते हैं 10 दिसंबर को दोस्तों आंसर की आई है, उसके बाद से बहुत सारे आंसर की वायरल हुई हैं, ठीक है। और देखा भी गया है दोस्तों वो हकीकत में कि किसी के 152 नंबर हैं, किसी 154, किसी 156, किसी किसी के 158 भी बताए जा रहे हैं, 159 भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ने नंबर पाया है। और सबसे मतलब कि हद की बात यह है कि चलिए पढ़ने वाले बच्चों फिर भी ठीक है। एक हमने बताया भी था कि एक वायरल भी हुआ था कि जिसके दोस्तों बच्चे के पेट में कितने हैं, लगभग दोस्तों 37 नंबर के आसपास हैं, और उसके UPSI में दोस्तों 154 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने ठीक है आवाज़ उठाई थी, जिस पर दोस्तों बहुत सारे चैनल वालों ने भी उसका साथ दिया था, और आज एक मुहिम चलाई थी UPSI 2021 स्कैम के नाम से ना। तो ये दोस्तों ट्विटर पर मुहिम थी, और इस पर दोस्तों जब ये ट्रेंडिंग हो गया, बहुत ही अच्छे से दोस्तों इस पे इसको ट्वीट किया गया, ठीक है, और ये ट्रेंडिंग में था पूरे दिन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भर्ती बोर्ड का भी जवाब आया, तो हम दिखाएंगे दोस्तों क्या कहा है, यूपी पुलिस द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ों को देख करके बच्चों ने इनको सबको टैग किया कि देखिए ये सब चीज़ें जो पेपर में छप रही थी, जब पेपर हो रहे थे, जब पकड़े जा रहे थे, कि दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक कर किया गया प्रश्न पत्र हल, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए बच्चों ने इस तरह से किया है। देखिए ये वाला बच्चा है जो 37 पेट में 37 पाया था, और इसके 155 प्लस आ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें देखिए बिल्कुल देख सकते हैं, ये पूरा वही बच्चा है जिसका ये एडमिट कार्ड है, और इसका नाम है प्रतीक चौधरी, ठीक है। ये पूरा का पूरा बच्चों ने टैग भी किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए स्क्रीन शेयर हुई थी, आपको पता है कि इस तरह से वायरल हो रहा पूरा पेपर, अब कोई कैसे फोटो खींच सकता है भाई, मान लिया अगर वहां पे हो रही है, ठीक है, तो फोटो कैसे कोई खींच सकता है। और ये पूरा रियल पेपर का है, आप देख सकते हैं इस तरह से लग भी रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें डेट भी दिखा है, पूरा का पूरा डेट भी दिख रहा है, और सब कुछ दिख रहा है, देखिए जरा सा आप देख सकते हैं, है ना। नितेश कुमार क्या नाम है इसका, थोड़ा सा है ना, ये देखिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, पूरा दिख रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं, आपके पास भी आई होंगी, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। ये देखिए फिर आया था, देख लीजिए दरोगा भर्ती परीक्षा रोहनिया के केंद्र से साल भर गिरफ्तार, दोस्तों रोहनिया केंद्र से दोस्तों साल भर गिरफ्तार भी हुआ था। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था बिहार का युवक, आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे जगह किसी दूसरे बिठाएगा, और यूपी पुलिस ने दोस्तों बहुत अच्छा काम किया, उसने पकड़ा भी था, ठीक है। देख सकते हैं दरोगा भर्ती में फर्जी, देखिए सिकेंद्र कुमार नाम था इसका, ठीक है, इसको दोस्तों पकड़ा भी गया है ना। तो ऐसे बहुत से लोगों को पकड़ा भी गया, बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा काम किया एसटीएफ ने दोस्तों। देख सकते हैं उसका नाम भी दिया गया है कि प्रथम पाली परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी ब्रजेश कुमार का क्रमांक नंबर ये है, ठीक है, अप्लीकेशन के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था, उसके फोटो और आधार से मेल नहीं खाया, ठीक। संख्यावश केंद्र प्रभारी ने अभ्यर्थी को गेट पर ही रोक लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जब वहां पे दोस्तों थंब इंप्रेशन होता है, फोटो खींचती है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कोई पेपर दे देगा, पेपर दे लोगे भैया, मगर आगे के कार्यक्रम में ना वहां पे जब थंब लगता है तभी कुछ होने देते हैं। आप डीवी में जाएंगे वहां भी आपका थंब होगा दोस्तों, थंब लगेगा, अगर थंब मैच नहीं करता आपको भगा दिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा दोस्तों आपकी जांच होगी, ठीक है। ऐसे होता है, फिर आपको रेस में फिर से दोस्तों आपकी फोटो खींचेगी, जाकर रेस होगा, फिर से थंब लगेगा दोस्तों, मतलब कि थोड़ा पारदर्शिता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो आप पेपर दे दिए, ठीक, आगे प्रोसेस में भी अगर आपकी जुगाड़ नहीं बैठती, बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं दोस्तों, बहुत कम चांस होते हैं ऐसा करने की, क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तब आपका फिर से थंब लिया जाएगा, ये चीजें होंगी, आपका मेजरमेंट होगा। तो इस तरह से चीजें बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी हमने बता दिया कि इस पर पूरा बताएगा कि कितने लाख रुपए, 1 लाख के दिए थे एसटीएफ के अनुसार, है ना। वाईफाई राउटर से आरोपित का मेन सिस्टम इंस्टॉल किया, और केंद्र की लैब में लेन केबल डाली गई, है ना, मतलब कि दोस्तों केबल डाल के दोस्तों पूरी लैब से, है ना, पूरा रिमोट पर लेकर हल कर देते थे ना। तो ये देख सकते हैं आरोपित आईपी एड्रेस से लैब का सिस्टम रिमोट पर लेकर हल कर देते थे, मतलब कि देख लीजिए कितना तगड़ा दिमाग लगाते थे सब, ठीक है, सबके सब दोस्तों, है ना। अब देखिए 15 लाख में दरोगा बनने वाले गिरोह का को दबोचा गया था, देख सकते हैं आपकी भदोही में क्लोन चेक, है ना, बनाकर ठगी करने वाले 9 गिरफ्तार। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भदोही का मामला है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा ये हैकर थे उससे अच्छे हमारे मतलब एसटीएफ के जवान भी थे, जिन्होंने दोस्तों इनको पकड़ा भी है, ऐसा नहीं कि, है ना, सारे कर गए दोस्तों, पकड़े भी गए, बहुत सारे पकड़े गए हैं, बहुत सारे आरोपी पकड़े गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भदोही जिले के आसपास दोस्तों सोमवार को बड़ी सफलता मिल लगी है ना हाथ में।
चेक बनाकर फ्रॉड करने वाले है ना अंतर प्रांतीय गिरोह का मंगलवार को एसपी अनिल कुमार ने भंडाफोड़ कर दिया। देख सकते हैं फिर जेल भिजवाएगा है ना, जेल से रवाना कर दिया गया, जबकि अब बाकी लोगों का पता चल रहा है ना ये सब चीज़ों को। अब देखिए ये भी देख सकते हैं, परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा 3 गिरफ्तार। देख सकते हैं कि एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने पर्दाफाश कर दिया। देखिए 3 लोग देखने, देखिए कैसे लोग है ना, ये सब पेपर भैया पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, इनको किसी का भविष्य भी नहीं दिखता कि भैया कोई मेहनत करके कैसे आ रहा है, हैं हाय लगी भैया तुम लोगों को, ठीक है ऐसा करोगे तो। नकल कराने वाले साल भर पेपर कराने के लिए 15 लाख की वसूली, तो देख सकते हैं सब चीज़ें हैं। अब देखिए फिर बच्चों ने क्या किया दोस्तों, ये मुहिम चली थी जिसमें ये सब लिखा गया, देखिए इसमें बहुत अच्छे से ये देखिए किसी ने ये लेटर लिखा और लेटर मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और वहाँ पर दोस्तों इसको टैग भी किया गया। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सेवा में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएसआई 2020-2021 भर्ती परीक्षा में हुए स्कैम के संबंध में, महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 12 नवंबर 2021 को 2 दिसंबर है ना, 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक चली थी दोस्तों यूपीएसआई की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। हाल ही में हुई जारी आंसर की से यह पता चलता है कि बहुत से छात्रों के 60 में से 152-159 प्रश्न तक सही पाए गए हैं। महोदय यदि पेपर इतना ही आसान होता तो और बहुत से छात्रों के प्रश्न भी इसके आसपास ठीक होते हैं। परीक्षा के मध्य कई सालवर गैंग को पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था ना, ये सही बात है कि भैया पकड़े भी गए थे, जिससे हमें यह लगता है कि परीक्षा की सुचिता से छेड़खानी हुई। अतः हमारी मांग है कि जिन छात्रों के 140 प्रश्न सही हैं उनकी विशेष जांच की जाए, जिससे लाखों विद्यार्थियों की मेहनत पर कायम रहे। दोस्तों ये चीज समझिएगा, ये बहुत अच्छा लेटर है दोस्तों, इसने कहीं ये बात नहीं की कि भैया पेपर रद्द करो या पेपर एग्जाम करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बहुत अच्छी बात है ठीक है। इन्होंने साफ साफ बात की भैया जिसके 140 आ रहे हैं उनका एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो भैया, एक बार देख लो कि कहीं कुछ लापरवाही तो नहीं हुई है, हाँ कहीं चूक तो नहीं हुई है लोगों से ना, तो ये सब चीजें कही बहुत अच्छी बात थी। ये मांग भी कहीं जायज थी कि भैया इसमें ये नहीं कहा गया भैया आप पेपर को रद्द करिए, क्योंकि पेपर रद्द होने बाद भैया होगा भी नहीं, ठीक है आपको पता है अगर पेपर एक बार कैंसिल हुआ ना री एग्जाम भाई साहब फिर भूल जाना, री एग्जाम कब होगा, फिर 5 साल आपको वेट ही करना होगा है ना, तो 5 साल तक आप पता है शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे ठीक है। चलिए तो समझ सकते हैं, अब देखिए आपको पता है कि ये देखिए आज क्या हुआ दोस्तों, ये जो ट्वीट किया गया ठीक है कौन सा था हैच के साथ दोस्तों यूपीएसआई 2021 स्कैम के नाम से जो चलाया गया था मुहिम, उसने देखिए क्या जवाब आया है पुलिस का, ठीक है देखिए इसमें लिखा है कि देखिए यूपी पुलिस देख दीजिएगा ये ऑफिशियल है ठीक है 25 मिनट है ना ये समझ सकते हैं। देखिए यूपीएसआई स्कैम एवं यूपीएसआई स्कैम 2021 द्वारा किए गए ट्वीट भर्ती बोर्ड पर है ना भ्रामक पाए गए, मतलब कह रहे हैं कि भ्रामक भी या फालतू आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए और क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अफवाहों पर भरोसा न करें एवं आधिकारिक जानकारी हेतु भर्ती बोर्ड की वेबसाइट इस पर चेक करें, मतलब कह रहा कि आपके जो आंसर की वो भ्रम है आप इस पर चेक करो भैया, इस पर भी चेक किए बच्चे तभी आपके पास आए हैं ठीक है, ये कहना है ठीक है। अब देखिए इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रश्न नोट भी जारी किया है, क्या है प्रश्न नोट उसको हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नोट में क्या कहा गया है उसको आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इधर कट रहा है तो उसको आप लोग समझ करिएगा ठीक है। देखिए इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, प्रश्न नोट कब का है 15/12/2021 का। इसमें कहा क्या गया है ये आपको बता दें मैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 12 नवंबर से लेकर के दोस्तों 2 दिसंबर तक संपन्न हुई। उक्त परीक्षा में संबंधित उत्तर कुंजी दिनांक 10 से 216 तक के लिए जारी किया गया ना, मतलब 10 दिसंबर से लेकर 16 तक आप आपत्ति कर सकते हैं ठीक। वेबसाइट प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, उक्त समय सीमा 10 से 16 रखी गई दोस्तों रात 12 बजे तक, में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी प्रदर्शित की जाएगी और अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार ही अंकों अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा ठीक है। अभी तक की स्थिति में अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है और ना ही कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई है, अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्राप्तांकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को DVPST हेतु बुलाया जाएगा तथा उसके पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ कराई जाएगी ठीक। अभी तक इसमें कहा गया कि इसके हिसाब से कुछ नहीं, अभी अंतिम आंसर की आएगी उसके हिसाब से। देखिए यह भी कहा गया, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा के समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया गया है तथा पेपर पर अलग से
उसके दाहिने व बाएं दोनों हाथों है ना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक लिए गए, वो आपको पता होगा, आपने पेपर दिया है। अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक से मिलान के पश्चात ही उन्हें भर्ती परीक्षा के अगले चरण यानी DVPST में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक क्षमता है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी मतलब कि बिना बायोमेट्रिक के आप नहीं दौड़ पाएंगे दोस्तों, नहीं DVPST होगी। इसलिए इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भिन्न भिन्न खबरें भ्रामक और निराधार है दोस्तों। ठीक, ये प्रेस जारी किया गया है यूपी पुलिस द्वारा। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हैं, हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है भाई। मान लिया कि किसी बच्चे ने इस हैक करके दोस्तों घर से पेपर दिया है, तो उसका अगर थंब नहीं लगा है, ठीक है, तो दोस्तों वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाएगा। भैया अगर थंब लगा है तो फिर तो वो हो ही जाएगा। फिर आपका क्या विचार दोस्तों इस पर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।